उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार परीक्षा नियामक प्राधिकरण की ओर से इसके लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और इसमें जो है सभी डेट्स आपकी जो है घोषित कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित। अब आपको जो है इसकी तैयारी के लिए सुचारू रूप से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सक्रिय आपको हो जाना चाहिए। यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकरण के लिए ये विशेष रूप से इसकी परीक्षा कराने का दबाव बन रहा था, क्योंकि 2020 की आपकी परीक्षा नहीं हो पाई थी और ये जो आपका यूपी टीईटी है ये 2020 वाला ही यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। बाकी इस वर्ष 2021 का जो टीईटी है वो भविष्य तय करेगा कि कब आपके फॉर्म आएंगे, नवम्बर में या अक्टूबर में। लेकिन उससे पहले आपको सभी को मौका मिल चुका है ये टीईटी में आपको आवेदन करने का। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि टीईटी कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज भी आपकी निकलनी है और वो तभी संभव है जब आपका टीईटी पहले हो गया होगा, क्योंकि 2020 में भी ये नहीं हो पाया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा, साथ ही साथ 125 प्लस स्कोर की तैयारी आपके लिए बेहतर तरीके से करनी आवश्यक होगी, क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस बार की जो आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होगी उसमें से आपका एकेडमिक रिकॉर्ड को हटा करके यूपी टीईटी के मार्किंग जो है उसमें जोड़ी जाएगी, अर्थात उसके जो है 40 अंकों में से आपको जो है यहाँ पर मिलेगा वेटेज। तो यूपी टीईटी में यदि आपका स्कोर बेहतर होगा तो आपके लिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स बनने की जो प्रक्रिया होगी वो आसान होगी। फ्री स्टडी मटेरियल जो आपका परीक्षा से संबंधित है केवल वो ही तथ्य आपको पढ़ने हैं, इसके लिए आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोम एकेडमी एंड्रॉयड ऐप्स का आपके लिए लिंक दिया गया है, उस पर जो है जल्द ही ये सारा स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहाँ भी आप जो है एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के संबंध में यदि आपको जानकारी दी जाए तो देखिएगा यहाँ पर आपका जो है 18 मई 2021 से इसके लिए आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 18 मई 2021 में आपके आवेदन शुरू होंगे और 1 जून 2021 तक ये आपके चलेंगे, तो लगभग 12 से 13 दिन का टाइम्स आप लोगों के लिए दिया गया है यहाँ पर आवेदन करने के लिए पीएनपी की ओर से। और यहाँ पर जो बाकी तिथियों की गणना ना करते हुए नगण्य मानते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं, तो 25 जुलाई 2021 को आपका जो एग्ज़ाम्स है वो होगा। एग्ज़ाम्स में आपका जो फर्स्ट होगा वो 10 से आपका होगा, वो 10 बजे से आपका जो होगा ये होगा आपका पीआरटी लेवल का, यानी कि प्राइमरी टीचर्स लेवल वाला जो आपका एग्ज़ाम्स है प्राथमिक स्तर का है वो आपका होगा। फिर सेकंड में आपका जो है ये एग्ज़ाम्स होगा 2 बजे से या 2:30 बजे से आपका हो सकता है, तो इसमें क्या है कि आपका जूनियर लेवल का आपका एग्ज़ाम्स होगा, तो दोनों एग्ज़ाम्स एक ही दिन में आपके होंगे 25 जुलाई को, ये आपको जो है मेंशन करनी है बात अपने माइंड में। और यहाँ पर इस परीक्षा होने के तुरंत बाद आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में घोषित कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपकी जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो होगी, देखिएगा यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए। अब प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 97,000 पद आपके जो हैं खाली हैं, 97,000 पद जो हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए खाली हैं जिन पर आपकी जो है वैकेंसीज आनी है। अब पीएनपी का कहना है कि ये जो भर्ती है वो दो बार में कराना चाहता है, क्योंकि एक बार में इतने ज़्यादा पदों पर जो है नियुक्तियाँ करना सरकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक ही बार में इस भर्ती प्रक्रिया को जो है कराया जाए और यहाँ पर सभी पदों को जो है जल्द से जल्द भरा जाए। अब जो संभावना है वो यही है कि 55 से 60 हज़ार के आसपास आपके जो है पद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं पीएनपी के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा पद आपके लिए यहाँ पर 97,000 पद निकाले जा सकते हैं। हो सकता है क्योंकि चुनाव आपके जो हैं यहाँ पर होने हैं 2022 में, आपका जो यूपी विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर के यहाँ पर भर्तियों का पिटारा आपके लिए खुल रहा है। आप समझ सकते हैं यूपी टीईटी का विज्ञापन भी जारी किया गया, टीजीटी पीजीटी के लिए भी जारी किया गया,
तो ये विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा और इसमें हो सकता है कि आपके पद जो है बड़ी संख्या में देखने को मिले। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती ये साबित हो सके प्राइमरी टीचर्स की, तो 97,000 पद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि काफ़ी वीडियोज मैंने देखी है उसमें आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग की जो प्रक्रिया है इस बार रह सकती है। तो देखिएगा जो नोटिफिकेशंस है वो तो जो ओरिजिनल होगा अर्थात जिसमें सभी चीज़ें मेंशन की जाएंगी वो तो आपका यहाँ पर 11 मई को ही प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन 11 मई से पहले ये जो आपके लिए शॉर्ट नोटिस दिया गया है इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं है। वो जहाँ तक संभावना है कि टीचर्स की किसी भी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई नहीं की जाती है जो भी PNP के माध्यम से कराई गई है, तो यहाँ भी आपकी नेगेटिव मार्किंग की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसको आप जो है बिल्कुल नकार दें। 125 स्कोर्स की तैयारी के लिए आपको जो है पहले तो इसके सिलेबस को समझना जरूरी होगा। इसके लिए आपको जो सभी आप समझ सकते हैं कि बाल विकास के 30 क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश कोई दो लैंग्वेज आपको जो है यहाँ पर करनी होती है, उसके 60 क्वेश्चंस होते हैं, पर्यावरण और मैथ के भी यहाँ पर 30-30 क्वेश्चंस होते हैं। जूनियर स्तर में थोड़ा सा ये पार्ट बदल जाता है, साइंस और मैथ वाले के लिए 60 क्वेश्चंस होते हैं या आर्ट वर्ग या कॉमर्स से संबंधित हैं तो 60 क्वेश्चंस आपके लिए आपके SST के हो जाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आपको जो है यूपी टेट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो आपके पेपर्स हैं उसको आप जो है नेट पर उपलब्ध हैं क्योंकि ये बड़े आसानी से सभी को मिल जाते हैं, तो उनको एक बार आप सभी लोग एनालाइज कीजिएगा। जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं यदि आप उनको एक बार पढ़ लेते हो तो आपको इतना अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। CTET से थोड़ा भिन्न इसमें क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि CTET में जो है पेडागोजी पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है लगभग 50% का। यहाँ पर पेडागोजी पार्ट का जो पूछने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक पार्ट में 2 या 3 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जाएंगे केवल। तो यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सोम अकेडमी एंड्रॉयड ऐप्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका कंसेप्ट होगा वो एक एक क्लियर किया जाएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री में आपको जो है लाइव क्लासेस दी जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।